हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास टेंथ एक्सरसाइज 2.3। 2.2 के अंदर हमने क्या पढ़ा था, रिलेशनशिप ऑफ जीरोज, जीरोज के बीच में रिलेशनशिप, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब इसके अंदर हम पढ़ेंगे डिवाइड, कैसे डिवाइड करना और रिमाइंडर। ठीक है, देखते हैं। डिवाइड द पॉलिनोमियल पी एक्स बी द पॉलिनोमियल जी एक्स एंड फाइंड द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें क्या करना है, डिवाइड करना है, किसको, पी एक्स को जी एक्स से डिवाइड करना है और क्या क्या बताना है, क्वेश्चन एंड रिमाइंडर। पी एक्स हमारे पास क्या दे रखा है, एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वेयर प्लस फाइव एक्स माइनस थ्री। इसको हम डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वेयर माइनस टू से। देखते हैं कैसे करते हैं हम डिवाइड, एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वेयर प्लस फाइव एक्स माइनस थ्री, इसको डिवाइड किया एक्स स्क्वेयर माइनस टू से। अब यहाँ पे एक्स की हाईएस्ट पावर क्या है, थ्री, यहाँ एक्स की हाईएस्ट पावर क्या है, टू। अगर इसके अंदर हम वन पावर और एड कर देंगे तो टू प्लस वन थ्री, तो एक्स क्यूब हो जाएगा हमारे पास, इसलिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको, एक्स से। एक्स की वन पावर ये हो गई, एक्स की टू पावर ये हो गई, एक्स की टू और वन पावर कितना हो जाएगा, एक्स की पावर है थ्री, तो एक्स की एक्स स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स से क्यूब। फिर एक्स की और टू की मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, माइनस टू एक्स, यहाँ पे तो एक्स स्क्वेयर है नहीं रख सकते हम, एक्स यहाँ पे हमारा इसी के नीचे हमने क्या लिखा, माइनस टू एक्स, जिसकी हमारे पास डिग्री सेम होती है तब हम उसके नीचे नोट करेंगे, ऐसे हम नोट नहीं करेंगे ये। फिर उसके बाद हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस और ये माइनस था, ये क्या हो गया प्लस, ये कैंसिल हो गया। अब थ्री माइनस थ्री एक्स स्क्वेयर एज इट इज प्लस फाइव प्लस टू सेवन एक्स और माइनस थ्री। अब हमारे पास क्या है, माइनस थ्री एक्स स्क्वेयर। एक तो हमारे पास किसकी जरूरत हमें, माइनस थ्री की, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वेयर है, तो एक्स स्क्वेयर तो यहाँ पे भी हमारे पास सेम हो गया, एक्स स्क्वेयर किससे मल्टीप्लाई कर दे, अगर हम इसको माइनस थ्री से मल्टीप्लाई कर दे तो ये आ जाएगा, इसलिए हमने सेकेंड टर्म क्या ली, माइनस थ्री। माइनस थ्री की और एक्स स्क्वेयर की मल्टीप्लाई, माइनस थ्री एक्स स्क्वेयर, माइनस थ्री की और माइनस टू की, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और थ्री टू जहाँ सिक्स, इसको हम थ्री के नीचे लिखेंगे क्योंकि ये हमारे पास क्या है, कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट के नीचे नोट करेंगे। फिर हम साइन चेंज करेंगे, माइनस है प्लस हो जाएगा और प्लस था माइनस आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा सेवन एक्स, माइनस थ्री माइनस सिक्स क्या आ जाएगा, माइनस नाइन। अब हमारे पास इससे आगे हम सॉल्व ही नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक्स है, यहाँ एक्स स्क्वेयर है, यहाँ ज्यादा पावर है, इसलिए हम सॉल्व नहीं करेंगे। तो हमारे पास कोशेंट क्या आया, एक्स माइनस थ्री, और रिमाइंडर हमारे पास क्या आ जाएगा, सेवन एक्स माइनस नाइन। इसी तरह नेक्स्ट है, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स की फोर माइनस थ्री एक्स स्क्वेयर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव एंड जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वन माइनस एक्स इज इक्वल टू, इसको हमने एक सिक्वेंस में बनाया, कैसे, एक्स स्क्वेयर उसके बाद हमारे पास क्या है माइनस एक्स और प्लस वन को हमने पीछे ले लिया, क्योंकि हमारे पास अकॉर्डिंग टू डिग्री बनाएंगे तो पहले टू पावर फिर वन फिर कॉन्स्टेंट ऐसे करते हैं ना, अगर हमारे पास वन पावर नहीं है तो इसके बाद जस्ट ये आ जाएगा, अदरवाइज हम इसको पहले एक सिक्वेंस में नोट करते हैं। अब हमारे पास ये क्या है, एक्स की फोर माइनस थ्री एक्स स्क्वेयर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव, इसको हमने डिवाइड किया एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस वन से। एक्स स्क्वेयर है, यहाँ एक्स की पावर कितनी है फोर, इट मीन्स हमें टू पावर की और भी जरूरत है, तो हमने किससे मल्टीप्लाई किया, एक्स की टू पावर से। एक्स की टू पावर, एक्स की टू पावर कितना आ जाएगा, एक्स की फोर पावर, फिर एक्स की टू पावर की एक्स से करेंगे, टू पावर यहाँ है वन पावर यहाँ हो जाएगी, थ्री पावर होगी। अब थ्री पावर हमारे पास है ही नहीं, तो इसलिए हमने इसको सबसे लास्ट में लिखा क्या, माइनस एक्स की पावर थ्री। फिर हम एक्स स्क्वेयर की वन से करेंगे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर आ जाएगा, यहाँ एक्स स्क्वेयर है तो इसी के नीचे हमने क्या लिख दिया, प्लस एक्स स्क्वेयर। फिर हम साइन चेंज करते हैं, ये पॉजिटिव था ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, और ये माइनस है ये क्या हो गया प्लस है। अब ये एक प्लस था एक माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास देखो यहाँ एक्स स्क्वेयर है, यहाँ एक्स क्यूब है, तो बड़ी पावर एक्स क्यूब है, तो इसलिए हम इसी को सबसे आगे नोट करेंगे, क्या आ जाएगा प्लस एक्स क्यूब। माइनस थ्री एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर कितना हो जाएगा, माइनस फोर एक्स स्क्वेयर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव। अब यहाँ पे एक्स क्यूब है, यहाँ एक्स स्क्वेयर है, टू पावर है, यहाँ थ्री पावर है, वन पावर की और जरूरत है हमें, तो क्या करेंगे प्लस एक्स, एक्स की और एक्स स्क्वेयर की मल्टीप्लाई क्या आ जाएगी एक्स क्यूब, एक्स और माइनस एक्स की मल्टीप्लाई माइनस एक्स स्क्वेयर, एक्स और प्लस वन की मल्टीप्लाई एक्स आ जाएगा। साइन चेंज कर देंगे, प्लस है माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। माइनस फोर एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, तो इसमें से घटा दें क्या बचेगा, माइनस थ्री एक्स स्क्वेयर, फोर एक्स में से एक्स घटाया थ्री एक्स और प्लस से फाइव। अब हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसकी,
यहाँ पे माइनस थ्री एक्स स्केयर, एक्स स्केयर तो हमें मिल गया और किसकी जरूरत है हमें, माइनस थ्री की, तो किससे कर दिया माइनस थ्री से, माइनस थ्री एक्स स्केयर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा थ्री की और एक्स की, थ्री एक्स और थ्री बन जा थ्री। अब साइन चेंज कर देंगे, माइनस प्लस प्लस से माइनस माइनस से प्लस, ये भी कैंसिल ये भी कैंसिल, फाइव प्लस थ्री कितना आ जाएगा एट। क्वेश्चन हमारे पास क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस थ्री, एंड रिमाइंडर हमारे पास क्या आ जाएगा एट। इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास थ्री, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स की फोर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स, एंड जी एक्स इज इक्वल टू टू माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो जी एक्स दे रखा है, पी एक्स दे रखा है, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो पी एक्स हमारे पास क्या है, एक्स की फोर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स हमने डिवाइड कर दिया। इसको हम कैसे लिखेंगे, ये तो हमारे पास कॉन्स्टेंट है, पहले हम वेरिएबल को करेंगे तो क्या आएगा, माइनस एक्स स्केयर और प्लस टू, डिवाइड किया माइनस एक्स स्केयर प्लस टू से। अब देखो यहाँ x की फोर पावर है और यहाँ प्लस है, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है, माइनस को प्लस करने के लिए एक तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, माइनस। x की टू पावर है, फिर x की टू पावर से कर देंगे तो x की फोर पावर हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस आ गया, x की टू क्या आ जाएगा, x की फोर, माइनस एक्स स्केयर की टू से करेंगे क्या आएगा, माइनस टू एक्स स्केयर। अब साइन चेंज करेंगे, ये हमारे पास प्लस था माइनस कर दिया और जो माइनस है वो प्लस हो गया, ये कैंसल। अब उसके बाद देखो ये एक्स है, ये टू एक्स स्केयर है, तो एक्स स्केयर हमारे पास टर्म है ना, क्योंकि डिग्री हमारे पास हाइएस्ट टू है, तो इसको हम इधर लेके आएंगे, क्या आ जाएगा, टू एक्स स्केयर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स। अब हम किससे करेंगे, यहाँ टू एक्स स्केयर है, यहाँ माइनस टू एक्स के माइनस एक्स स्केयर, एक तो माइनस आ जाएगा, दूसरा टू से कर देंगे कि टू की और इसकी मल्टीप्लाई क्या आ जाएगी, टू एक्स स्केयर माइनस टू की और प्लस टू की माइनस फोर आ जाएगी, इससे ये कैंसल, साइन चेंज कर दिया ना हमने, माइनस हो गया, ये माइनस था ये प्लस, ये कैंसल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस फाइव एक्स सिक्स प्लस फोर टेन। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या आया, माइनस एक्स स्केयर माइनस टू, और हमारे पास रिमाइंडर क्या आ जाएगा, माइनस फाइव एक्स प्लस टेन। इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर टू, चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज द फैक्टर ऑफ द सेकेंड पॉलिनोमियल बाय डिवाइडिंग द सेकेंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट पॉलिनोमियल। हमें क्या बताना है कि जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है इज द फैक्टर ऑफ द सेकेंड पॉलिनोमियल, फर्स्ट पॉलिनोमियल है वो सेकेंड पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है, और किससे, बाय डिवाइडिंग द सेकेंड पॉलिनोमियल, सेकेंड पॉलिनोमियल को हम डिवाइड करेंगे बाय द फर्स्ट पॉलिनोमियल, किससे, फर्स्ट पॉलिनोमियल से। सिंपल बात हमारे पास क्या है कि अगर वो इसका फैक्टर है तो उसका रिमाइंडर क्या आएगा, जीरो। तो हम क्या देखते हैं कि उसको डिवाइड करके देखते हैं, डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर जीरो आ जाता है तो इसका फैक्टर है, अदरवाइज फैक्टर नहीं है। देखो फर्स्ट पॉलिनोमियल है टी स्केयर माइनस थ्री, सेकेंड है टू टी फोर प्लस थ्री टी की थ्री माइनस टू टी स्केयर माइनस नाइन टी माइनस ट्वेल्व। अब इस सेकेंड पॉलिनोमियल को हम फर्स्ट से डिवाइड करेंगे, सेकेंड पॉलिनोमियल हमारे पास ये है, ये फर्स्ट है। अब देखो यहाँ टू टी की पावर फोर है, यहाँ टी स्केयर है, अब यहाँ पे टू से, एक तो हमें टू की जरूरत है तो हमने टू लिखा, यहाँ टी की पावर फोर है, यहाँ टी की पावर टू है, तो टी की पावर टू भी आ जाएगा, टू टी स्केयर से, और टी स्केयर की मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, टू टी की पावर फोर, फिर टू टी स्केयर की माइनस थ्री से करेंगे, थ्री टू जा सिक्स, माइनस सिक्स टी स्केयर, क्यूब के नीचे तो नहीं नोट करेंगे ना हम, क्योंकि इसकी पावर अलग है, इसकी डिग्री अलग है, तो इसलिए हमने इसको स्केयर के नीचे नोट किया। साइन चेंज कर देंगे, माइनस हो गया ये प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा, ये क्या आएगा, थ्री टी क्यूब। अब प्लस का सिक्स है, माइनस का टू है, सिक्स में से टू जाएगा, प्लस फोर्टी स्केयर माइनस नाइनटी माइनस ट्वेल्व। अब देखो यहाँ टी स्केयर, यहाँ थ्री टी क्यूब है, तो हम एक तो थ्री की जरूरत है, एक टी की जरूरत है, तो किससे करेंगे, प्लस से, थ्री टी से मल्टीप्लाई कर दिया, थ्री टी की और टी स्केयर की मल्टीप्लाई थ्री टी क्यूब, थ्री टी की और माइनस थ्री की, थ्री थ्री जा माइनस नाइनटी। साइन चेंज कर दिया, प्लस है माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। अब ये प्लस माइनस था ये कैंसिल हो गया, इधर ये माइनस था ये प्लस से ये कैंसिल हो गया, क्या बचेगा, फोर्टी स्केयर माइनस ट्वेल्व। फिर हमारे पास यहाँ टी स्केयर है, यहाँ फोर्टी स्केयर, तो फोर से कर देंगे हम, फोर की और टी स्केयर की मल्टीप्लाई फोर्टी स्केयर माइनस फोर थ्री जा ट्वेल्व। अब साइन चेंज कर देंगे, प्लस का माइनस हो गया, माइनस का प्लस, ये भी कैंसिल, क्या आया, जीरो। और मैंने पहले ही बताया था अगर हमारे पास रिमाइंडर जीरो आ जाता है तो हम क्या बोलते हैं, इसका फैक्टर है, अदरवाइज नहीं है। अब हमारे पास रिमाइंडर इज जीरो, हेंस टी स्केयर माइनस थ्री इज ए फैक्टर ऑफ सेकेंड पॉलिनोमियल। तो जो हमारे पास फर्स्ट पॉलिनोमियल
पॉलिनोमियल है वो क्या है कि फैक्टर है किसका, सेकंड पॉलिनोमियल का। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड पार्ट, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और दूसरी पॉलिनोमियल क्या दे रखी, 3x की 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, फर्स्ट सेकंड पॉलिनोमियल अंदर रखेंगे, फर्स्ट से हम उसको डिवाइड करेंगे। देखो यहाँ 3x की पावर 4 है, यहाँ x स्क्वायर है, एक तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, फिर x की 2 पावर में कितनी पावर और जरूरत है, 2 पावर की, क्योंकि तभी तो 4 होगी ना। 3x स्क्वायर की मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, 3x की 4, 3x स्क्वायर की 3x से करेंगे 3, 3 जा 9, x क्यूब, 3x स्क्वायर की 1 से करेंगे प्लस 3x स्क्वायर, माइनस माइनस से माइनस साइन चेंज हो गया, ये कैंसल हो जाएगा, माइनस का 9 है प्लस का 5 है तो माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा माइनस 4x क्यूब, माइनस 7 माइनस 3 माइनस 10x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। अब हमारे पास x स्क्वायर है, यहाँ पे x क्यूब है और माइनस 4, तो एक तो क्या लिखेंगे माइनस 4, x स्क्वायर को x क्यूब बनाने के लिए कितनी पावर की जरूरत है, 1 पावर की, एक x आ जाएगा, 4x की x स्क्वायर से करेंगे माइनस 4x क्यूब, माइनस 4x की 3x से माइनस 12x स्क्वायर और माइनस 4x, साइन चेंज कर देंगे, साइन चेंज करके ये कैंसल, प्लस का 12 है माइनस 10, 12 में से 10 जाएगा 2x स्क्वायर, प्लस 4 है प्लस 2 है 4 टू 6x और प्लस 2, फिर हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये x स्क्वायर है इसके आगे 2 है और ये ओनली x स्क्वायर है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x स्क्वायर, 2 3 जा 6x प्लस 2 1 जा 2, साइन चेंज कर देंगे, चेंज करते ही साइन सभी क्या हो जाएंगे कैंसल, कैंसल होने के बाद रिमाइंडर क्या बचा हमारे पास, 0, सिंस द रिमाइंडर इज 0 तो हमारे पास रिमाइंडर क्या है 0, हेंस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल, तो हम क्या बोल देंगे कि ये इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन सेकंड पार्ट थर्ड, एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1, एक्स की 5 माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब हम सेकंड पॉलिनोमियल को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे, सेकंड पॉलिनोमियल को नोट किया, फर्स्ट से करेंगे एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1, एक्स की 5 पावर एक्स की 3 पावर, एक्स की 2 पावर से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स की 2 पावर से हमने मल्टीप्लाई किया कितना आ जाएगा, एक्स की 5 पावर एक्स की 2 पावर और 3x की मल्टीप्लाई माइनस 3x क्यूब आ जाएगा और एक्स स्क्वायर की और 1 की प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे साइन चेंज कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा और ये प्लस है माइनस ये कैंसिल, माइनस 4x क्यूब और प्लस 3x क्यूब माइनस कर देंगे क्या आ जाएगा, माइनस के ज्यादा है तो क्या बचेगा माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 1। अब हम किससे करेंगे, यहां भी x क्यूब है यहां भी x क्यूब है, माइनस 1 से कर देंगे माइनस 1 और x क्यूब की माइनस x क्यूब, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3x और माइनस प्लस माइनस माइनस, अब देखो साइन चेंज कर देंगे, माइनस का प्लस हो गया प्लस का माइनस और माइनस का प्लस, ये भी कैंसिल ये भी कैंसिल, 1 प्लस 1 कितना आया 2, रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं है सिंस द रिमाइंडर इज 2 नॉट इक्वल टू 0, हेंस एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ ए सेकंड पॉलिनोमियल, तो हम क्या बोल देंगे कि जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है वो सेकंड पॉलिनोमियल का एक फैक्टर नहीं है, अगर रिमाइंडर 0 आता तो हम क्या बोलते कि ये इसका फैक्टर है अदरवाइज नहीं। आज हम यहीं तक करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ओके थैंक यू।